नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, आज वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और उस पर जानेंगे रूपा जी की क्या राय है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैसे सीट से। रूपा जी देख रहे हैं कैसे सीट का नवंबर वायदा 6608 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6680 का ही लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि आपने जो लेवल दिया था 6600 का, आज वो अचीव होता हुआ नजर आ गया है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या आज इंट्राडे में कैसे सीट 6700 का लेवल भी पार कर जाएगा और 6800 के लिए जाता हुआ नजर आ पाएगा? अखिलेश बिल्कुल कैसर में तेजी है, और अब यहाँ से आप मान के चलिए 6800 से लेकर 7000 नीचे टारगेट जो है वो 6800 का आपको नवंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। मैं तो पहले से ही बुलिश थी इसमें, और मैंने लगातार यही बोला है कि इसके अंदर जो भी दबाव आता है आप उसके अंदर बाइंग के तरफ रहें, और आज आप देखिए वो सारे टारगेट्स भी अचीव हुए हैं और इनफैक्ट उससे ऊपर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी अगर आती है तो 6800 से लेकर 7000 का टारगेट अब कस्टर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। जी से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी देखने की कुछ खरीदारी निकली निचले स्तर से, 2500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1% की तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या बिनौला खल भी अब यहां से तेजी को जाता हुआ नजर आएगा, या फिर यहां से बिनौला खल में फिर से एक बिकवाली का दौर देखने को मिलेगा? देखिए बिनौला खल में भी तेजी अखिलेश, कल हमने 2520 का टारगेट दिया था, आज उसी के ऊपर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको 2580 से लेकर 2620 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। तो स्टिल इसके अंदर भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मुझे काफी इसके अंदर तेजी दिखाई देती है क्योंकि कपास लगातार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी एक तेजी बन सकती है। जी ये सर पर जी नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि हल्दी और धनिया, कुछ हल्दी में तो खैर हम देख रहे हैं कि काफी सुस्ती का माहौल है, लेकिन धनिया में भी तेजी के बाद आज एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आई है, लेकिन जीरा काफी ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जीरा 15200 के ऊपर कारोबार कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या मसालों में इस बार जीरा सबसे अच्छा मुनाफा कमवाएगा? देखिए जीरे के अंदर अभी जो तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो निर्यात मांग एकदम सुस्त पड़ गई थी अब वो कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से जीरा जो है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल यहाँ से मसाले पैक की बात करें तो थोड़ा सा त्योहारी सीजन भी है, इसका भी इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है और तेजी की तरफ बाजार जा सकता है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जीरा जो है वो 16000 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि निर्यात मांग निकलते हुए दिखाई दे रही है। जी से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 13060 पर कारोबार कर रहे हैं, 13235 का ही लगा चुका है, 2.25% की तेजी है, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6813 पर है और 6891 का ही लगा चुका है, 1% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि जो ग्वार गम है 13000 का लेवल आज टच कर चुका है, आपने कहा था कि 12000 के भी पार जाता हुआ नजर आएगा, आज आपका 13000 का लेवल अचीव हो गया है, और ग्वार सीड में भी देख रहे हैं कि 6800 का लेवल एक बार फिर से अचीव होता हुआ नजर आ गया और 6900 के करीब है। रूपा जी दोनों ही लेवल आपके ग्वार कॉम्प्लेक्स में अचीव हो गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से ये रैली और एक्सटेंड होगी या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है? देखिए अभी ग्वार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग छुटमुट आई तो आ सकती है, लेकिन मुझे काफी कम गिरावट इसमें अब दिखती है, मुझे लगता है कि अभी ग्वार जो है ऊपर में 15000 का स्तर छू सकता है, वहीं सीट की बात करें तो 7000 का स्तर अभी फिलहाल हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि टच हो सकता है, एक अच्छी खासी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो ये अभी और बढ़ सकती है। अगर देखिए गिरावट भी आई तो 3-4% के सर्किट भी हमें नीचे के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार बाइंग की तरफ है, लेकिन ट्रेंड वहीं पॉजिटिव भी है, ऊपरी स्तर पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो नीचे में 4-4% बाजार लुढ़क भी सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निचले स्तर पर बाइंग की रणनीति रहनी चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि 15000 तक ग्वार गम और ग्वार सीड जो है वो 7000 तक ऊपर जा सकती है। जी ये सर पर जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि सरकार काफी ज्यादा फैसले ले चुकी है खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि बाजार में ज्यादा कुछ ज्यादा नरमी देखने को नहीं मिली है, नरमी देखने को मिली है लेकिन हल्की फुल्की 5-7 रुपए तक की, लेकिन कंज्यूमर अभी भी महंगा तेल ही खरीद रहा है, और देखने की पेट्रोल डीजल की भी जो प्राइसेस है उनमें भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकार के फैसले कहीं ना कहीं कुछ नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दिवाली तक और दिवाली के बाद खाद्य तेलों में कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा?
देखिए वैसे तो देखा जाए तो फिजिकल मार्केट के अंदर अभी भी बाजारों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। सरसों तेल की अगर हम बात करें तो उसमें उछाल है, और अभी ओवरऑल देखिए ट्रेंड की देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है तेजी। सोयाबीन आप देखिए 10,000 के बाद अब 5,000 के घरों में, और मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी देखिए जो रेंज है सोयाबीन की वो 5,500 तक ऊपर की देखने को मिल सकती है, नीचे में 5,000। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर वो मुझे लगता है 4,800-5,000 के बीच में बाजार रुकते हुए दिखाई देंगे सोयाबीन के। वहीं अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,200 के नीचे लुढ़क सकता है, और सरसों में भी कोई बहुत ज्यादा भी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा सा बाजार जो है वो रुका हुआ है, और ऊपरी स्तरों पर जो ये लेवल है इसी के आसपास कायम है, और मुझे लगता है कि आगे दिवाली के बाद जो है इसके अंदर गिरावट बढ़ सकती है। जी रूपा जी, कॉटन में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है, जो डिमांड है काफी ज्यादा देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, और प्रोडक्शन भी पहले से कम है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कॉटन में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? देखिए कॉटन के अंदर अभी फिलहाल रुझान तेजी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। जिस हिसाब से प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं, उससे काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा के अगर अंदर बात करें तो जो कल गिरावट आ रही थी वो भी अब संभलती हुई दिखाई दी है, फिर से 31,400 के ऊपर कॉटन निकल चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखा जाए तो आगे 32,000-32,500 तक कॉटन वायदा में जा सकती है, और आने वाले दिनों में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी कीमतों में थोड़ा सा उछाल और देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे आज एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स, जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, कि देख रहे हैं कि काफी सारी कमोडिटीज अच्छी तेजी के साथ आते हैं, तो आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए इन्वेस्टर्स को? देखिए अखिलेश, मैंने हमेशा ही यही बोला है कि ग्वार के अंदर अभी इसी टाइम पर जो कमोडिटी बनती हुई दिखाई देगी वो है ग्वार। अब ग्वार में देखिए डेली बेसिस पर अच्छा तेजी जो है वो बनती हुई हम देख रहे हैं, तो ग्वार 15,000 और 7,000 के टारगेट्स के लिए आप ग्वार में बाय कर सकते हैं। उधर से कैस्टर काफी अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से 8,800 से लेकर 7,000 तक कैस्टर भी जा सकता है, और एक बिनोला खल। तो ये तीन कमोडिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। 2600 का टारगेट आपको बिनोला खल में देखने को मिल सकता है, 6800 का टारगेट कैस्टर सीड में। तो वहीं ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो गम 15,000 तक ऊपर जा सकती है, और सीड 7,000 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैस्टर सीड, बिनौला खल और ग्वार गम, ग्वार सीड, ये चार कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और ये कमोडिटीज आगे भी आपको अच्छा मुनाफा कमवाएगी। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।